हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और स्टूडियो में बात करने वाले दोस्तों एशिया कप में जो मैच खिलाएगा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, इस मैच की ग्रैंड लीग टीम के बारे में बात करने वाले वीडियो में। इस मैच की बात करूँ दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर जो मेरा लाइव मैच चल रहा है उसकी मैं ग्रैंड लीग की टीम दिखा देता हूँ, जो कि खेला जा रहा है इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान के बीच में। काफ़ी शानदार हमारी टीम जा रही है, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो भाई 21 लाख स्पॉट है, जिसमें से हमारी टीम पहुंच गई है 52,000 पर। ठीक है, अभी टोटल 31 ओवर के ही मैच हुए हैं। ईशान किशन 58 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या 43 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं। 21 लाख लोगों में 52,000 पे मेरी टीम गई हुई है, ठीक है, वो भी टीम वन है दोस्तों। बहुत ही शानदार टीम बनाया हूँ। अभी ड्रिंक हुआ है पूरा 50 ओवर का। जब मैच ख़त्म होगा दोस्तों दोनों टीमों का खेलने के बाद, तो मैं आपको अपना टीम का ना रिजल्ट स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पर दिखा दूंगा। भाई बहुत ही शानदार टीम मेरी जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि भाई पूछो मत, जितने बड़े प्लेयर हैं सभी को मैंने ड्रॉप किया हुआ है वहाँ पर। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैं आपको जब मैच ख़त्म होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम। बहुत ही शानदार दोस्तों मेरी टीम जा रही है, और 52,000 पे गई है कैप्टन, और बहुत ही शानदार खेल रहा है। वाइस कैप्टन ने भी अच्छा विकेट ले लिया, और अभी भी विकेट निकालने वाला है, लास्ट के ओवर में डेथ में बॉलिंग करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं टीमें वगैरह बना के अपने टेलीग्राम पर देता हूँ फ्री में, कोई चीज़ का पैसा नहीं लेता हूँ, ग्रैंड लीग की भी और स्मॉल लीग की भी टीम। ठीक है, और इस मैच में मैंने ग्रैंड लीग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, स्मॉल लीग नहीं खेला था, और ना ही मैंने स्मॉल लीग की टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, ग्रैंड लीग की टीम दिया था दोस्तों। और जिन भाइयों ने लगाया रहेगा उनकी चांदी चांदी होने वाली है इस मैच के लिए। जब भाई 21 लाख लोगों में 52,000 में मेरी रैंक चल रही है, तो जो भाई 30,000-40,000 स्पॉट वाले में जीएल में टीम लगाई होगी तो उसका रैंक वन भाई पक्का चल रहा होगा, मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूँ। बहुत ही शानदार दोस्तों टीम बनाया हूँ। अगर आपको भी भाई बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की जो ग्रैंडली की टीम चाहिए, तो भाई आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, तो लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। भाई सभी मैचेस की टीम हम लोग वहाँ पर फ्री में देते हैं, ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की, कोई चीज़ का पैसा नहीं लेते, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो कितनी शानदार हमारी टीमें यहाँ पर दोस्तों जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग जो ये मैच खेला जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इस मैच में भी भाई ग्रैंड लीग में टॉप की रैंक लेके आएंगे, और मैंने तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच चल रहा है उसकी तो मैंने आपको लाइव टीम दिखा दिया, ताकि भाई किसी को कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह वाला मतलब उनके अंदर वो नहीं आवे। लाइव में चल रहा है मैच, उसकी आप टीम देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। इस मैच में दोस्तों मेगा जीएल 25 करोड़ का है, काफ़ी शानदार रहने वाला है इस मैच में। भाई ग्रैंड लीग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है पिछले मैच के परफॉर्म को देख के, लेकिन भाई उन सभी प्लेयर्स को हम लोग अपने टीम से करने वाले ड्रॉप। क्या रहेगी मेरी टीम सब कुछ आपको वीडियो में बताऊँगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। यहाँ पर दोस्तों चलते हैं हम लोग सीधा टीम बनाने के लिए। ठीक है, क्रिएट टीम पे जाते हैं दोस्तों, और सीधा मैं यहाँ पर आपको मैं टीम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग बांग्लादेश का लास्ट के 5 वनडे मुकाबले देखोगे ना, तो यहाँ पर उन्होंने 3 मैच को लॉस्ट किया और 2 ही मैच को उन्होंने विन किया। वहीं पर अफगानिस्तान के लास्ट 5 वनडे मुकाबले का रिजल्ट देखोगे तो उन्होंने 5 में से 4 मैच को उन्होंने हारा हुआ है और 1 मैच को विन किया हुआ है। ठीक है, तो भाई इस मैच को बांग्लादेश को विन करना चाहिए और अफगानिस्तान को इस मैच को हारना चाहिए। वेन्यू स्टेट्स की बात करें यहाँ पर कहाँ पर मैच खिलाएगा, तो गद्दाफी स्टेडियम पर मैच खिलाएगा लाहौर में, जो कि भाई एक बैटिंग पिच रहती है, और वहाँ पर भाई स्पिनर्स और फास्ट बॉलर सबको मदद है, बैट्समैन को भी मदद है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, जैसे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच में रुक रुक के बारिश हो रही है फिर मैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई पूरा एकदम सन क्लियर रहेगा, बारिश होने की कोई भी चांस नहीं है। लास्ट 5 वनडे मुकाबले के यहाँ पर एवरेज स्कोर देखें तो 251 रन है। बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी तो 300 रन प्लस भी बन सकता है इस ग्राउंड पर। लास्ट 5 वनडे के टोटल विकेट यहाँ पर 73 गिरे दोस्तों, जिसमें से पेसर्स ने 39 विकेट और स्पिनर्स ने 34 विकेट निकाले, तो ठीक ठाक दोनों ही बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं। यहाँ पर हेड टू हेड में 9 मुकाबले देखेंगे खेलते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, जिसमें से बांग्लादेश ने 5 मुकाबले और यहाँ पर अफगानिस्तान ने 4 मुकाबले विन किया है। तो रिसेंट भी यहाँ पर बांग्लादेश का अच्छा है और हेड टू हेड में यहाँ पर बांग्लादेश का रिकॉर्ड अच्छा है। तो हम लोग दोस्तों अब चलते हैं विकेट कीपर में। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, सब कुछ आप समझ जाओगे भाई, किसी की आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आर गुरबाज है ओपनिंग करने के लिए आएंगे, मुस्तफ़ुर रहमान है 6 नंबर पर बैटिंग करेंगे, और दोस्तों पिछले मैच में भी इन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग किया था और ड्रीम टीम में आ गए थे, जो कि श्रीलंका के खिलाफ में मैच हुआ था, और उसमें भी मैंने सारे भाई ग्रैंड लीग की टीम में मैंने यहाँ पर एम रहमान को अपनी टीम में रखा था। बहुत सारे लोग कुशल मेंडिस को लेके आए थे, लेकिन मैंने सभी मैचेस में मतलब सभी टीमों में उनको ड्रॉप किया हुआ था। ठीक है,
और इस मैच में भी मैं मुस्तफ़ुर रहमान को ही लूँगा अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी तो। ठीक है, सेकेंड इनिंग में भी आप रिस्क अगर लेते हो तो ले सकते हो, क्योंकि 6 नंबर पे बैटिंग करेगा दोस्तों। ठीक है, तो बैटिंग आया ना आए, अगर बैटिंग आ भी गई तो कितना रन रहेगा बनाने को, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन पहले बैटिंग करेगी बांग्लादेश तो भाई ज़रूर पिक करना, 6 नंबर पर बैटिंग कर रही है ना, तो बैटिंग आ ही जाएगी आराम से भाई, आपको कैचिंग स्टंपिंग से भी पॉइंट दे देगा। वहीं पर भाई देखो, आर गुरबाज की बात करें तो हिट एंड मिस वाला प्लेयर है। अभी जो भाई पिछले मैच में जो सीरीज़ हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, एक मैच में उसने शतक मारा था, इसके लिए यहाँ पर ठीक ठाक सिलेक्शन परसेंटेज हो गया, 52% सिलेक्शन है। लेकिन इस मैच में फ्लॉप हो जाएगा, चलेगा अभी तो ज़्यादा ज़्यादा 20 रन 30 रन बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर मुस्तफ़ुर रहमान हमारे लिए पॉइंट्स दे के चले जाएगा। तो हम लोग विकेट कीपर में मुस्तफ़ुर रहमान को रखे। आई जारदान दोस्तों ओपनिंग करेगा, इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगी तो। ठीक है, हम लोग अपनी टीम में रखेंगे। टी हडी दोस्तों 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा, इसको मैं अपनी टीम से करूँगा ड्रॉप, और पिछले मैच में भी ड्रॉप किया था, यहाँ पर 22 पॉइंट्स दिया था पिछले मैच में। यहाँ पर दोस्तों है रमेश शाह अगर दोस्तों खेलेंगे तो 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे या 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। ठीक है, और एच शहीदी या तो 3 नंबर या 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये दोनों खेलने वाले हैं। या तो दोस्तों बैटिंग करेगा 3 नंबर पे, या 4 नंबर पे बैटिंग करेगा, या 3 नंबर पे बैटिंग करेगा, तो ये 4 नंबर पे बैटिंग करेगा। ठीक है, तो भाई दोनों को हम लोग अपनी टीम से करने वाले हैं ड्रॉप, एच शहीदी को भी और रमेश शाह को भी। रमेश शाह भी बॉलिंग कराता है और एच शहीदी भी बॉलिंग कराता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था तीसरा वनडे मुकाबला, उसमें से भाई यहाँ पर रमेश शाह ने 1 विकेट भी निकाला था और 4 ओवर भी किया था, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एन हसन संटो 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे, और पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग किया था और 104 पॉइंट दिया था, और मेरे टीम में ये थे, और इस मैच में भी मैं इनको रखने वाला हूँ। बहुत ही शानदार दोस्तों क्वालिटी बैट्समैन है, टिक्के खेलता है और लंबी पारी खेलता है। दोस्तों यहाँ पर देखो नजीबुल्ला जारदान अगर खेलेंगे तो भाई यहाँ पर ये बैटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे 4 नंबर 5 नंबर पर, और कभी कभी इनका बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर पर भी रहता है। ठीक है, ओवरऑल ये 4 नंबर 5 नंबर पर ही बैटिंग करने के लिए आते हैं, वनडे का और टेस्ट का काफ़ी शानदार बैट्समैन है दोस्तों। अगर आप लोग अपनी टीम में रखना चाहते हो तो यहाँ से नजीबुल्ला जारदान को अपनी टीम में ज़रूर पिक कर लेना, 8% सिलेक्शन है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है, और मैं भी इसको अपनी टीम में पिक करूंगा जब फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दूंगा। अभी के लिए इसको मैं कर रहा हूँ अपनी टीम से ड्रॉप। यहाँ से दोस्तों एन से टी हसन दोनों ओपनिंग करेंगे, और दोनों ही बोकस प्लेयर हैं, आपकी टीम खराब कर देंगे, दोनों को हम लोग अपनी टीम से करने वाले हैं ड्रॉप, बाकी यहाँ से कोई खेलने वाला नहीं दोस्तों। तो 2 ही बैट्समैन को ले रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, बाकी फाइनल टीम में 3 बैट्समैन लूँगा। यहाँ से दोस्तों नजीबुल्ला जारदान को मैं अपनी टीम में पिक करने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर चले दोस्तों, तो साकिब अल हसन है दोस्तों 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले दोस्तों। पूरे 20 टीम में आप लोग इनको वीसी या कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पूरे 10 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए भी आ जाएंगे, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। और पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाला था, और पिछले मैच के मेरे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी शानदार रहेंगे। साकिब अल हसन को हम लोग अपनी टीम में पिक करके चलने वाले हैं। मेहदी हसन मिर्ज़ा को मैं अपनी टीम से करूँगा ड्रॉप। दोस्तों देखो, स्पिनर से ऑफ ब्रेक बॉलर है, और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प नहीं है जितना यहाँ पर बैट्समैन और फास्ट बॉलर को मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करने वाला हूँ मेहदी हसन मिर्ज़ा को अपनी टीम से ड्रॉप। मोहम्मद नबी को रखेंगे दोस्तों। ठीक है, काफ़ी शानदार बैट्समैन है, बॉलर भी बहुत ही शानदार है, ऑलराउंडर ओवरऑल। ठीक है, 6 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा, पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेगा दोस्तों, और बैटिंग आ गई तो बैटिंग से भी आपको 30 रन या 40 रन बना के दे सकता है। तो यहाँ पर मोहम्मद नबी को आप लोग ड्रॉप करने की गलती मत करना, वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो 2 से 3 टीमों में। यहाँ पर गुलाब नबी भी दोस्तों खेलने वाला है, और पाकिस्तान के बीच में जो लास्ट का वनडे मुकाबला हुआ था दोस्तों, इसने स्टार्टिंग में 2 विकेट निकाले थे। अगर जो भाई लोग उस मैच को खेले रहेंगे ड्रीम इलेवन पर, तो उनको पता रहेगा गुलाब नबी ने काफ़ी शानदार दोस्तों बॉलिंग किया था, 2 विकेट निकाला था। बाकी दोस्तों यहां से करीम जनत खेलने वाला है दोस्तों, इसको भी हम लोग अपनी टीम में ट्राई करेंगे। ठीक है, कभी करेंगे जब मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा तभी। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, मेहदी हसन को भी नहीं रखने वाला हूं। हालांकि पिछले मैच में इसने 1 विकेट निकाला था, ठीक है 1 विकेट निकाल लिया था, बैटिंग से बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आएगा, तो बैटिंग से उतना उम्मीद मत करना, विकेट से आप लोग उम्मीद कर सकते हो। अगर बॉलिंग कराएगा तो 1 विकेट निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 3 ही ऑलराउंडर को रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बॉलिंग में चलते यहाँ पर दोस्तों राशिद खान आपको देखने को मिल जाएंगे, रख लेंगे अपनी टीम में हम लोग, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मुजीबुर रहमान को भी रखेंगे दोस्तों हम लोग,
भाई पाकिस्तान के बीच में जो सीरीज हुआ तो उसमें दो दो तीन तीन विकेट निकाल रहा था। आराम से इसको अपनी टीम में रखना भाई, विकेट लेस नहीं जाएगा, दो विकेट कन्फर्म है। राशिद खान का भी एक विकेट कन्फर्म है, बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़िर रहमान, बहुत लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश पहले अगर बॉलिंग करेगी ना तो आप लोग अपनी टीम में इसको ज़रूर ट्राई करना, हम लोग भी करेंगे। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है दोस्तों, बहुत ही शानदार रहने वाला है इस मैच के लिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों तकसीम अहमद है भाई, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश चाहे पहले बॉलिंग करे सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, पिछले मैच में भी इसने एक विकेट निकाला था, बहुत ही शानदार बॉलिंग करता है भाई। फास्ट बॉलर, स्पिन बॉल, मतलब सब तरह के इसके अंदर क्वालिटी है। मिश्रण अच्छा करता है, बाउंस भी अच्छा फेंकता है, ठीक है, तो इसको रखेंगे। बाकी फजल फारूकी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बांग्लादेश जब पहले बॉलिंग करेगी तब रहेगा, ठीक है। वाइस कैप्टन आप लोग ट्राई कर सकते हो तो, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग एक प्लेयर को लेने वाले दोस्तों यहाँ से, मुस्तफ़िर रहमान को, जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहने वाला है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर टीम बनी है दोस्तों अफगानिस्तान के फेवर में, लेकिन फाइनल टीम बांग्लादेश के फेवर में टीम बनने वाली है मेरी, जो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, छह ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ पर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों कैप्टन सबसे सेफ सबसे अच्छा भाई यहाँ पर साकिब अल हसन, और वाइस कैप्टन आई जारदान, ठीक है, सिंपल सा दोस्तों। बाकी यहाँ से मैं आपको और कैप्टन वाइस कैप्टन बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर वाइस कैप्टन आप लोग मोहम्मद नबी को भी ट्राई कर सकते हो, फारूकी को फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, तकसीद अहमद को सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग दोनों में ट्राई कर सकते हो, राशिद खान को भी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, जब टॉस हो जाएगा, लाइनअप आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको छः ग्रैंड लीग की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम इस मैच की दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट बॉक्स में दिया, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है, कोई चीज़ का पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ दोस्तों, काफ़ी शानदार मेरी जाती है। मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ, पहला ये टीम को सेव कर लूँ। यहाँ पर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है ना, आपको मैं और दिखाई देता हूँ यहाँ पर, आपको तभी विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तभी दोस्तों देख लो, यहाँ पर आ चुके हैं हमारे 52,000 पे ही, अभी भी हमारी टीम रुकी हुई है, ठीक है। काफ़ी शानदार रहेगी, जब फाइनल मैच ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट, मतलब मेरे टीम का, मैं टेलीग्राम पर आपके साथ में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखो 54,000 52,000, मतलब आएगी हमारी टीम जब लास्ट में मैच ख़त्म होगा ना, तो मैं इसका पूरा रिजल्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। इसके लिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हो। बाकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो फाइनल टीम रहेगी मैं आपको टेलीग्राम पर ही दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।